आज जिसने हमें, हजरत कहीं कहीं इंसान बहुत मजबूर हो जाता है, वो सोचता है कि मेरी बदनामी भी हो जाएगी या लोग मुझे कुछ कहेंगे भी, या हो सकता है शायद कल मेरा पेपरों में आ जाए। लेकिन जिसे इंसान चाहता है, प्यार करता है या इज्जत करता है, उससे बगैर मिले रहा ही नहीं जाता। सच कह रही हूँ ना, वो चाहता कि किसी ना किसी सूरत से मैं उसे देखूं, उसे पसंद करूं, चाहे एक ही नजर देख लूं, मगर देख लूं तब अच्छी चाहूंगी। ये एक हिस्ट्री भी है, लैला मजनू को आप दुनिया जानती है, ये शेर उनको मद्देनजर रखते हुए ये शेर सुनिए, तब अच्छी चाहूंगी मैं। कभी कभी क्या होता था कि मजनू जहां बैठता था वहां से लैला नजर आती थी, वहां से लैला नजर आती थी कि कभी ना कभी ये इस दरीचे में, इस खिड़की पे ही आती है। तो मजनू तो पागल रहता था उसके याद में, उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। तो बहुत से बच्चे जो है, एक दिन क्या हुआ कि वो बोलते कि ये बहुत ज़्यादा ये मजनू गिरी करता है, ये नाटक है, ये प्यार व्यार नहीं करता, देखता हूँ आज क्या करता है। उसने क्या किया, उतनी जगह को जला दिया जहाँ वो मजनू बैठता था, उसने जला दिया कि देखो अब क्या करेगा। मगर वो तो मजनू था भाई, उसको मानता था कि लैला यहाँ आने वाली है। आप आए और आके वहाँ बैठ गए, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, उसने तो बस लैला को देखा और मस्त हो गया। उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या जल गया क्या नहीं जल गया। और बच्चे जो जिसने जलाए थे उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि वाकई में ये मजनू है। तो ये शेर आप उनको मद्देनजर रखते हुए शेर सुनिए, क्योंकि आज के दौर में भी मजनूओं की कमी नहीं। उसी को याद किया है, वो चीजें पेश कर रही हूं समाज फरमाए कि जिसने हमें बर्बाद किया है, जिसने हमें बर्बाद किया है, दिल ने उसी को याद किया है। और आओ आओ कर ले किया है।
के लहराई हुई जुल्फे गिरहगीर तो देखो कैसे करे दूरी बहुत है। के तुम मेरी जुल्फे गिरहगीर को क्यों देखते हो, तुम मेरी बर्दाश्त हो, तुम मेरी जुल्फे गिरहगीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो, तुम मेरी जुल्फे गिरहगीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। अरे तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे चुप कर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।